हाय ट्रेनीज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट कॉर्पोरेट गाइडलाइंस फॉर वुमेन एट वर्क कि जो बड़ी कंपनीज कॉर्पोरेट्स हैं उनमें कुछ गाइडलाइंस होती हैं वुमेन्स की सेफ्टी के रिगार्डिंग काम के दौरान। तो अगर कोई कंपनी अपने फीमेल एम्प्लॉयज को नॉर्मल वर्किंग आवर्स के अलावा अगर ऑफिस में रिटेन करना चाहते हैं, कुछ काम करवाना चाहते हैं स्पेसिफिकली इन नाइट, तो कंपनीज के लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो अब हम समझेंगे कि कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं जिनका उन्होंने स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। फर्स्ट, कंपनी अगर फीमेल एम्प्लॉयज़ को नॉर्मल वर्किंग आवर्स में, जैसे मैंने बताया स्पेसिफिकली अगर शाम को देर तक उन्होंने उनसे काम करवाना है तो वो ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट करके देंगे फीमेल एम्प्लॉयज़ का टू एंड फ्रो फ्रॉम द रेजिडेंस, मीन्स घर से आने जाने के लिए वो उनको ट्रांसपोर्टेशन की कन्वीनियंस की सुविधा प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड, डाटाबेस मींस पूरा रिकॉर्ड रखना जो एम्प्लॉयज, जो सिक्योरिटी गार्ड्स, जो कैब ड्राइवर्स जा रहे हैं फीमेल एम्प्लॉयज के साथ ट्रांसपोर्टेशन में, सो दैट कि अगर पुलिस को ज़रूरत पड़े तो वो रिकॉर्ड, वो डाटाबेस दिखाया जा सके। थर्ड पॉइंट इज, जो भी सिक्योरिटी या कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सनल्स हायर किए जाएं, वो हायर किए जाएं सिर्फ लाइसेंस्ड एजेंसी से, मींस गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी से ही सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर किया जाए जो अकंपनी करेंगे फीमेल्स को सुबह या शाम को जब पिक एंड ड्रॉप हो रहा है। वेरीफाइड सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए जो कैब में वुमेन्स के साथ होना चाहिए जब रात को जा रहे हैं हम वुमेन्स को उनके रेजिडेंस पे छोड़ने के लिए या पिकअप करने के लिए। जब भी पिक एंड ड्रॉप हो रहा है तो हमने ये ध्यान रखना है, ये गाइडलाइंस हैं कि वुमेन जो है, जो वुमेन पर्सनल है वो ना तो फर्स्ट होनी चाहिए जिसे पिकअप किया जाना चाहिए गाड़ी में, और ना ही वो लास्ट होनी चाहिए जब ड्रॉप किया जा रहा है। इसका मतलब जब पिक एंड ड्रॉप सर्विस है कैब की कंपनी की तरफ से तो वुमेन कैंडिडेट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वुमेन कैंडिडेट सबसे पहली हो जिसे पिक किया जा रहा है, और ना ही वुमेन कैंडिडेट सबसे लास्ट हो जिसे ड्रॉप किया जा रहा है घर पे। सिक्स पॉइंट सेज, जो कैब का ड्राइवर है वो ये इंश्योर करे कि वो वुमेन पर्सनल को उसके घर पे ड्रॉप करके आए, और जब तक वो वहाँ पर अपने घर में पहुँच नहीं जाती, उसकी कंफर्मेशन उसे फ़ोन से नहीं मिल जाती, वो उसकी वेट करे। सेवंथ, अगर फीमेल एम्प्लॉई का घर गली में ऐसी जगह पे है जहाँ पे गाड़ी उसके दरवाजे तक नहीं जा सकती, ठीक है, तो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो वुमेन एम्प्लॉई को अकंपनी करेगा उसके घर तक ताकि उसकी सेफ अराइवल कंफर्म हो सके घर तक जाने के लिए। एट्थ पॉइंट इज, जो भी व्हीकल एज ए कैब पिक एंड ड्रॉप के लिए यूज किया जा रहा है उसमें कोई भी स्ट्रेंजर्स ना हो, ओके, जो ऑथराइज पर्सन है वही उस व्हीकल में पिक एंड ड्रॉप की सर्विस ले। जो ड्राइवर है वो किसी अपने और जानने वाले को उस व्हीकल में सफ़र मत कराए, ये चीज़ इंश्योर करना कंपनी की, कॉर्पोरेट की जिम्मेवारी है। नाइन्थ पॉइंट इज, जितनी भी कैब पिक एंड ड्रॉप के लिए यूज़ की जाती हैं उनमें जीपीएस सेट्स इन्वॉल्व होने चाहिए। टेंथ पॉइंट इज, कंपनी को एडिशनल रिसोर्सेज हायर कर लेने चाहिए अगर उसे फीमेल एम्प्लॉयज को नॉर्मली रोज या ज़्यादातर वर्किंग आवर्स के बाद भी रिटेन करना पड़ रहा है,
सो दैट कि एडिशनल रिसोर्सेज मीन्स एडिशनल एम्प्लॉयज रख लेने चाहिए, ताकि फीमेल का जो वर्किंग आवर अगर ख़त्म होता है तो उसे छुट्टी करके रिलीव कर देना चाहिए ऑफिस से, और उसे ज़्यादा देर ऑफिस में नॉर्मल वर्किंग आवर्स के बाद नहीं रुकना चाहिए. सो दीज आर द 10 गाइडलाइंस विच ऑल कॉरपोरेट्स आर सपोज टू फॉलो. आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा जो हमारी स्पेसिफिकली ये नाइट आवर्स वाली जॉब्स हैं, जैसे कि बीपीओ की जॉब्स, टेलीकॉलर की जॉब्स, डेटा एंट्री की कुछ जॉब्स जो बीपीओ सेक्टर में हमारे काफ़ी कॉमन है, उन सभी कॉरपोरेट्स में ये गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है और सरकार की तरफ से भी मॉनिटरिंग की जाती है. सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ लग गया होगा. अगर आपके कोई डाउट्स हों तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.